हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस समय मेरा डिवाइस का लुक एंड्रॉयड 12 के जैसा है, लेकिन इस समय भी मैं एंड्रॉयड 11 पर ही रन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपली यही बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड 11 के अंदर आप एंड्रॉयड 12 वाला ये जो लॉन्चर है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आज की आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस लॉन्चर की सेटिंग्स की बात करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लॉन्चर कौन सा, आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम होम स्क्रीन को होल्ड एंड प्रेस करके रखते हैं तो आपको तीन ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, होम सेटिंग्स, वेजिट और वॉलपेपर। दोस्तों, अगर हम वॉलपेपर में चलते हैं तो आपको एक सिलेक्ट करने का पहले ऑप्शन आता है, आप उसमें कोई भी एप्लीकेशन या फिर गैलरी वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये ऐप को सिलेक्ट कर रखा है। तो दोस्तों, आप उसे सिलेक्ट कर लें, आपके सारे वॉलपेपर्स वर्क करने लग जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको एक विजिट का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर जैसे कि आपको एंड्रॉयड 12 में विजिट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेम वैसे देखने को मिलता है। जैसे कि मैं क्लॉक का कोई विजिट लेता हूँ तो मुझे इस प्रकार का देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, आप चाहो तो इसे रिसाइज कर सकते हो, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगर हम आगे बढ़े तो आपको एक होम सेटिंग्स नाम से ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर दोस्तों आपको जर्नल, होम स्क्रीन, डॉक, काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये सबसे पहले अगर हम जर्नल में चले तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन जो आपके उसमें रोटेशन वगैरह आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उस प्रकार का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद जो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, उसमें आपको डॉट्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, उसका ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों, आपको एक आइकॉन पैक का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपको आइकॉन पैक कैसा चाहिए, सिस्टम वाला या फिर कोई प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। इसके बाद दोस्तों, आपको एक थीम आइकॉन्स का ऑप्शन देखने मिलता है, यानी कि एंड्रॉयड 12 में जैसा फीचर है कि आपका जैसा वॉलपेपर होगा आपके आइकॉन्स भी वैसे हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इसे इनेबल कर सकते हो, मैं आपको ऑफ़ करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे ही ऑफ़ करूँगा मेरे सारे आइकॉन्स डिफ़ॉल्ट के जैसे हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे इनेबल करूँगा तो जैसा मेरा वॉलपेपर है, यानी कि मेरा रेड वॉलपेपर है, तो मेरे सारे आइकॉन्स रेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम इसके आगे बढ़ें तो दोस्तों आपको एक आइकॉन शेप का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपको आइकॉन्स कैसे चाहिए, सर्कल चाहिए, राउंड में स्क्वायर चाहिए, फिर स्क्वायर चाहिए, आप चाहो वैसे इसे यहाँ से इनेबल कर सकते हो दोस्तों, कुछ इस प्रकार। इसके बाद दोस्तों, अगर हम आगे सेटिंग्स में बढ़ें तो दोस्तों आपको एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है जो अभी एक्सपेरिमेंट में चल रहा है, यानी कि आप यहाँ से आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट देखने को मिलते हैं, आप जिसे भी सिलेक्ट करोगे वो आपके होम स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस प्रकार। इसके बाद दोस्तों, अगर हम आगे बढ़ें तो दोस्तों इसके बाद आपको एक थीम का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपको लाइट थीम में ये लॉन्चर चाहिए या फिर डार्क थीम में या फिर सिस्टम में, आप चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको एसेंट कलर का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि आपका रेड वॉलपेपर है तो इसके साथ आपको रेड आइकॉन भी अच्छे लगेंगे और ब्लू भी। तो दोस्तों, आपको ये कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, आपको और भी देखने के लिए मिलते हैं, आप जिसे भी चाहो उसे यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, कुछ इस प्रकार। तो दोस्तों, आप इसे अपने आप थोड़ा सेलेक्ट करके देख लें। इसके बाद दोस्तों, आपको ऑटो अडेप्टेड आइकॉन्स देखने के मिलते हैं, यानी कि आपके जो भी आइकॉन्स है, जो अगर आपने स्क्वेयर को सिलेक्ट किया तो अगर आपके कोई आइकॉन स्क्वेयर नहीं है तो वह स्क्वेयर हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इतने ऑप्शन जनरल में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम होम स्क्रीन में चलें तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आपको स्टेटस बार कैसा चाहिए, आपको ये नीचे जो गूगल का ऑप्शन है ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आपको ऐप ड्रॉअर कैसा चाहिए, आपको ये रो कितनी चाहिए, कितनी रो ऊपर से चाहिए, आपको ये काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रॉल वॉलपेपर आपको चाहिए, डबल टैप पे आपको स्लिप चाहिए, नहीं चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम आगे चले तो आपको डॉक का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें स्टेटस बार से लेकर कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कि आपको कॉर्नर से ये कितने राउंड चाहिए, देखिए कुछ इस प्रकार, जैसे कि मैं कम कर देता हूँ, ये देखिए स्क्वायर हो गया, और दोस्तों अगर मैं इसे फुल कर दूंगा तो ये पूरा राउंड हो जाएगा, और अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसे ऊपर से ऑफ़ कर दूंगा तो ये जो गूगल का नीचे बार था वो गायब हो गया। तो दोस्तों, आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, आगे आपको एक ऐप ड्रावर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको ऐप ड्रावर जो होता है उसकी सारी सेटिंग्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं ऐसे ऐप ड्रावर की। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ, जैसे कि देखिए, आपको ऐप ड्रावर के अंदर कोई ऐप को हिडन करना या नहीं करना, आपको इसका ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, यानी कि आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से उसे कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आपको एक बैकग्राउंड ओपिसिटी का ऑप्शन भी देखने मिलता है कि आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए, पूरा वाइट डार्क चाहिए या फिर किस टाइप का चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको
जो ऐप ड्रॉअर है उसमें सर्च बार चाहिए नहीं चाहिए, आपको ऐप ड्रॉअर के अंदर कितनी रो चाहिए, आपको आइकॉन साइज कैसा चाहिए, आपको जो नीचे नाम लिखा होता है कि ऐप कौन सा है वो ऑप्शन चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आपको ऐसे कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपको फोल्डर है, एक फोल्डर के अंदर कितने ऐप आने चाहिए, कितनी रो आनी चाहिए, आइकॉन का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, आपको उसका ऑप्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब आपको एक अबाउट फ़ोन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको ये लिखा मिलता है कि ये कौन सा लॉन्चर है। तो दोस्तों ये लॉन्चरी का लॉन्चर है एंड्रॉयड 12 अल्फ़ा 4 वाला। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनके सभी डेवलपर्स के नाम भी देखने को मिलते हैं, यानी कि इस लॉन्चर का सारा क्रेडिट इन सभी डेवलपर्स को जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है। तो दोस्तों इस लॉन्चर को इंस्टॉल करने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है जहाँ आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही डाउनलोड लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार का एक ऐप देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए लॉन्चरी एंड्रॉयड 12 अल्फ़ा 4 वाला। दोस्तों आपको सिंपली इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों ये लॉन्चर मैंने अभी तक हमारे ग्रुप में सेंड नहीं किया है, तो दोस्तों मैं सेंड करूँगा, वैसे ही आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।